जी सर, रविदास जयंती को क्या करना चाहिए अपने बहुजन समाज को? रविदास जयंती को पूर्ण रूप से संत गुरु रविदास की विचारधारा का स्मरण करना चाहिए और रविदास जयंती मनाने वाले सारे युवाओं से और जितने भी जनमानस है मैं सभी लोगों से एक अपील करूंगा कि रविदास जयंती पर अश्लील गीत बना करके डांस करना पहले बंद करो जी। संत गुरु रविदास की गीत बजाओ, न गीत मिले संत गुरु रविदास की तो मत बजाओ, लेकिन अश्लील गीत बजा करके आप डांस करवाते हो और डांस में जो बच्चे पीते नहीं है वो दारू पीना शुरू कर दिए हैं कि रविदास जयंती एक एक सीसी पी के उजा के अपन नाचत हो। संत गुरु रविदास की जयंती का जुलूस जा रहा है जी। ये जुलूस लेके चलते हैं, गाना कौन सा बजता है जी। पिया हो बलमुआ ढूंढी में दारू डार के जी। इस समाज को मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप स्वयं नहीं सीख सकते जी, तो कम से कम उन लोगों की नकल करो। किसी भी जग में किसी भी प्रवचन में सिर्फ हनुमान चालीसा बजता है, दुर्गा चालीसा बजता है, यहाँ संत गुरु रविदास की मूर्ति लगी है उनका पूजा हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का लगा है उनकी पूजा हो रही है, जब महापुरुषों की पूजा होती है तो ये गीत कौन बजाते हैं जी। ये सारी बहुत सारी कमियां हमारे समाज के अंदर भरी गई है, भरी जाती है, ये समाज केवल आनंद की तरफ भागता है जी सर, समाज कभी सत्य की तरफ नहीं जाता। एक और आप बोलते हैं मूर्ति पूजा करना गलत है, मगर अपने समाज को क्यों पूजा की ओर अग्रसित कर रहे हैं? ऐसा है, मूर्ति पूजा गलत है जी। पूजा का मतलब ही अब तक ये समाज नहीं समझ पाया कि पूजा कहते किसको, पूजा करते किसको। मैं बार बार कहता हूं कि पूजा का मतलब जिस चीज की पूर्ण जानकारी हो, जो काम आप कर रहे हो, जिसलिए आप जिस सोच में आप बैठे हो। हम ये कह रहे हैं कि लड़के को अगर परीक्षा देना है जी, तो किताब बंद करके अगरबत्ती लेके सरस्वती के सामने पूजा करेगा तो परीक्षा पास करेगा। मगर सर आप भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर अगरबत्ती आप लोग नहीं दिखाते हैं सर? अगरबत्ती दिखाते हैं, वो अगरबत्ती जी सत्य पर आधारित है, वो बाबा साहब अंबेडकर को जो अगरबत्ती, अगरबत्ती क्या है जी, अगरबत्ती से जो निकलने वाली सुगंध है जी, वो सुगंध व्यक्ति के मन मस्ती को शुद्ध करती है जी, इसका यही मतलब है जी। और बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जो अगरबत्ती दिखाई जाती है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए दिखाई जाती है, दिमाग को स्वस्थ करने के लिए दिखाई जाती है, ये नहीं है कि वो अगरबत्ती की धुआं वो मूर्ति सूंघ रही है। उस विचारधारा को, वहां के जनरेशन को, वहां के वातावरण को शुद्ध करने के लिए अगरबत्ती का केवल यही काम है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जो अगरबत्ती दिखाई जाती है, वातावरण शुद्ध किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है यहाँ सारे लोग बैठे हैं प्रेम से बाबा साहब अम्बेडकर पर स्मरण करेंगे जी। और क्यों स्मरण करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक समानता बनाया है जी सर। बाबा साहब अम्बेडकर संवैधानिक समता बनाया है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने संपूर्ण भारत में सारे धर्मों को सम्मान का अधिकार दिया। गौतम बुद्ध जी का पूजा क्यों करते हैं आप मूर्ति लगा के? पूजा नहीं करते हैं, गौतम पूजा का हम तो बता दिए कि पूजा का मतलब कि जिस चीज की पूर्ण जानकारी हो जी, जिस चीज की पूर्ण जानकारी है उसके स्मरण को पूजा कहते हैं। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ सर, लोग बताते हैं कि तो लोग बताते हैं, तो मैं लोगों को ही बता रहा हूँ कि पूजा का अर्थ समझो पहले जी, कि जिस बारे में आप पूर्ण रूप से जानते हो जी। मैं ये क्यों कहता हूँ कि माता पिता की पूजा करो जी, इसलिए कहता हूँ कि माता पिता ही आपके सबसे बड़े देवी देवता हैं जी। माँ ने जन्म दिया, पिता ने पेट काट काट के पढ़ाया जी, शर्म से अपने भूखे रह गए, शर्म करते रहे, हजारों की करोड़ों की संपत्ति बनाया, वो सब आपको दे दिया जी। देवता का मतलब होता है कि देने वाले को देवता कहते हैं जी, और लेने वाले को भिखमंगा कहते हैं। और पूजा उस व्यक्ति की करो जी जो आपको कुछ दिया है, जिस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी है जी। अब यहाँ ये है, न ब्रह्मा के बारे में क्यों जाना था जी, न विष्णु के बारे में जाना था, न दुर्गा के बारे में जाना था, न सरस्वती के बारे में जाना था, जानत कुछ ना है। पंडित जी जैसे जैसे कहत हम, शंकर जी के लिंग का पूजा होती है जी सर, एक पत्थर का बना देना करिया का, वही पर बेल पात्र बज रख के
थपथपा थपथपाए जाके देश की बेटियां बहन हाथ जोड़ करके स्मरण कर रही हैं। जी सर, ये स्मरण नहीं, ये पूजा नहीं है, ये पाखंड है। जी सर, इसी मेरा लास्ट क्वेश्चन और रहेगा कि रविदास जी का मृत्यु कैसे हुई सर? रविदास जी की इन लोगों ने हत्या किया है। किसने? ब्राह्मणों ने, और ये हत्या राजस्थान के चित्तौड़ में किया है। न भरोसा हो जी तो मैं ये गीत गाया हूँ, तीन महापुरुषों की हत्या जी, बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या, संत गुरु रविदास की हत्या, संत कबीर की हत्या जी। उस गीत को निकालिए, सर्च करके उसमें देखिए, मैं सारी चीज बताया हूँ। मैं अड़र बड़र बात नहीं करता जी, मैं जितना जानता हूँ उतना ही मानता हूँ, उतना ही लोगों को समझाता हूँ जी। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि देखिए यहाँ ये लिखा है, मैं लिखी बात को नहीं मानता जी। वो लिखी बात अगर मेरे दिमाग में बनी कि नहीं ये सत्य है कि असत्य है, अब कहीं कोई लिख दे कि गोबर को गुड़ ही समझ करके आप सेवन कर सकते हैं, उस समय आपको गुड़ का स्वाद मिलेगा जी, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, क्योंकि गोबर और गुड़ में अंतर है। गुड़ कहां से पैदा होता है, गोबर कहां से पैदा होता है जी। तो मैं लिखी चीजों पर भरोसा नहीं करता, मैं जितना बोलता हूं जी उस पर मुझे भरोसा है, और उस चीज पर मैं चैलेंज करता हूं जी सर, पूरे लोगों को चैलेंज करता हूं कि इस विषय पर, मेरी विषय पर डिबेट जिसकी हैसियत हो वो करके मुझसे सवाल जवाब कर सकता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है जी। क्योंकि मैं जितना बोलता हूं मैं उतना मानता हूं, उतना ही करता हूं, ये नहीं है कि बोल कुछ रहा हूं जी सर और पीछे कुछ है, ऐसा काम नहीं। मैं दिल और दिमाग से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, कन्फर्म हूं जी सर। चलिए सर, हमारे बातों को इतना सटीकता पूर्वक जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, और अपने श्रोताओं से अपील करता हूँ कि अगर कोई त्योहार मनाना है और कुछ जानना है तो संत गुरु रविदास के लिए जानिए। और एक समस्या और है, मैं नहीं बता पाया जी, बहुत सारे, अब चूंकि महीनों में बुक हूँ, संत गुरु रविदास की जयंती आधे मार्च तक चल रही है जी सर, इधर फरवरी में 20 से ही शुरू है जी। बहुत सारे लोग कहते अरे सर उनकी जयंती तो 24 फरवरी को है जी, और आप कह रहे हैं 20 को करा लीजिए, पहले कैसे कराएं जी जी। तो हम वो सारे लोगों से कहते हैं कि संत गुरु रविदास अगर 24 फरवरी को ही पैदा हैं जी, तो पिछले साल 16 को थे, उसके पहले 9 को थे जी, उसके बाद 27 को थे, ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जी। गुरु पूर्णिमा जी, गुरु पूर्णिमा का मतलब माघी पूर्णिमा को ये पैदा हुए जी। गुरु पूर्णिमा बुध से शुरू होती है जी, क्योंकि बुध बुध को ही जन्मे जी, बुध को ही मरे जी, और बुध को ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ जी। इस बारीकी को समाज को सोचना चाहिए। और एक चीज खुले शब्दों में बता दूं कि हमारे जितने महापुरुष विचारक हैं, संत गुरु रविदास हैं, संत कबीर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और हमारे ज्योतिबा राव फुले, ये जितने लोग हैं, ललई यादव जी हैं, इनकी जयंती आप 12 महीना किसी दिन करा सकते हो जी। क्योंकि ये महापुरुष विचार के धनी थे, और ये हर दिन जन्म लेते हैं, मरे तो एक दिन है जी, लेकिन जन्म हर दिन इनका होता है। इसलिए जितने साथी हमारे रविदास पूजा मनाने वाले हैं, वो सभी लोगों से कहूंगा कि डेट देख के काम मत करो जी, जिस दिन आपके पास समय है, जिस दिन आपके पास व्यवस्था है, उसी दिन संत गुरु रविदास की जयंती आप मना लो। और गंगा का दर्शन केवल संत गुरु रविदास ही किए जी। इन लोगों की बातों में जी बहुत बड़ी खाई है। संत गुरु रविदास को चमत्कारी पुरुष बना करके जी ये लोग पूर्ण रूप से समाज के दिमाग में गोबर ठेल रहे हैं जी। अपनी शक्ति को, अपनी भक्ति को, अपने चमत्कार को, अपने देवी देवताओं को जी ये सर्वोपरि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि बताइए कि देश में देवी देवता नहीं होते तो माता गंगा ने संत गुरु रविदास को कंगन कैसे देती जी, माता गंगा संत गुरु रविदास को दर्शन कैसे देती,
तुम कौन भक्त हो पहले ये बताओ हमको, तुम्हारी भक्ति में कौन सी चूक है कि अब तक गंगा का दर्शन नहीं कर पाए। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं, इनकी आस्था जो है जी मोम की तरह गल रही होगी, मगर सर ये हमारे आस्था पर ठेस मार रहे हैं। भद्राचार्य जी को दर्शन देते हैं श्री रामचंद्र जी, असल में वहां के अंधे हैं जी, वहां के अंधे हैं इसलिए उनको सारे लोग दर्शन देते होंगे जी। मैं सिर्फ स्पष्टीकरण इस बात का चाहता हूं जी कि जो सबसे बड़ा संत है, जो सबसे बड़ा गुरु है जी, वो भगवान का दर्शन किया है तो किस रूप में किया है। अब रहा सवाल, चूंकि देखिए बात दूसरे तरफ चली जाएगी जी, जी। संत गुरु रैदास किसी अगवान भगवान को मानते ही नहीं थे। संत गुरु रैदास सम्यक संबुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे जी। संत गुरु रैदास संत कबीर की विचारधारा पर स्मरण करके अपनी विचारधारा दे रहे थे। अगर गंगा को संत गुरु मानते जी, संत गुरु रैदास अगर देवी देवताओं को मानते जी, तो संत गुरु रैदास तुलसीदास जी जो चौपाई लिखे कि पूजय विप्र सकल गुणहीना जी, उस चौपाई पर संत गुरु रैदास लिखते हैं कि चरण पूजो चंडाल का जो हो गुण में प्रवीण जी, वो ऐसा कहते हैं। संत गुरु रैदास कहते कि पूजमान वो है जो गुणहीन है, जो विद्वान है जी। गुणहीन व्यक्ति की पूजा करने का क्या मतलब है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सदैव खिलाफ थे संत गुरु रैदास, और संत गुरु रैदास न जातियां मानते थे न देवी देवताओं को मानते थे। तो मैं कैसे कहूं, अब चूंकि अनिरुद्धाचार्य महाराज जो हैं जी, उनको सुनने वाले बड़े लोग जुटते हैं जी, और उन्होंने अगर इस बात को कहा कि संत गुरु रैदास को माता गंगा ने कंगन दिया जी, तो अनिरुद्धाचार्य जी आप बताइए कि आप भी तो एक संत हैं, रातों दिन लाखों लोगों को, हजारों लोगों को बटोर के संतई कर रहे हैं, संतई की परिभाषा सिखा रहे हैं, आखिर आपको माता गंगा ने दर्शन क्यों नहीं दिया? अगर दर्शन दिया तो आपको कंगन क्यों नहीं दिया जी? अगर कंगन नहीं दिया तो आप पूछिए माता गंगा से कि रैदास चमार समाज के थे, अछूत समाज के थे, नीच समाज के थे, शूद्र समाज के थे जी, आपने मैया उनको दर्शन दे दिया, हम लोग ब्राह्मण समाज के हैं, ना हमको दर्शन दे रही ना कंगन दे रही हैं जी। सर ये तो पूछने योग्य बातें हैं, सही है सर, ये ड्यूटी इन लोगों की है जी। ये जितने संत हैं, सारे संतों की बात कर रहा हूँ, अनिरुद्ध की बात छोड़ दीजिए, अनिरुद्ध की बात अलग है, ये देवकी नंदन जी हैं जी, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, तमाम शास्त्री हैं, सब क्यों बात कर रहा हूं मैं जी सर। ये जितना ज्ञान सिखाने वाले हैं जी, सबको मैं चैलेंज करता हूं जी, कि मेरी बात का जवाब दे दें, उसके बाद पर्चा लिखें, ये कौन सी बीमारी है जी कि धीरेन्द्र शास्त्री से हनुमान जी बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री सबकी समस्या लिखते हैं, धीरेन्द्र भी तो संत हैं जी, ये कौन से संत ही करते हैं कि हनुमान जी आके इनके कुल बतावन के क्या दो दुख, एक आई समस्या, एक तो लिखा, अनिरुद्ध शास्त्री को क्यों नहीं बताते हैं? क्या अनिरुद्ध शास्त्री हनुमान जी के विरोधी हैं? अनिरुद्ध शास्त्री हनुमान जी को नहीं मानते हैं? देवकी नंदन जी क्या हनुमान जी के पटीदार हैं? उनकी डांडा मेड़ा है कि उनको नहीं मानते हैं? हनुमान जी एक विदा उनको क्यों नहीं दिए? मैं ये पूछना चाहता हूं, और सारे संत जुट के बताएं। अब इनमें उनका आस्था मोम की तरह गलत हुई कि ये हमारी आस्था पर ठेस लगा रहे हैं, लेकिन मेरी आस्था का जो मामला है, मेरी आस्था को भी तुम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आस्था के नाम पर जो बकचोदी कर रहे हो, ये हम नहीं मानने वाले हैं, इस चीज को सत्य सत्य बताना पड़ेगा जी सर। तुम्हारी आस्था है, ये तुम्हारे भगवान की बुराई हो गई, तुम्हारी आस्था गल गई, ये तुम्हारे भगवान की बुराई हो गई, तुम्हारी आस्था गल गई जी। लेकिन जो हमें गोबर पुजवाते हो, हमारी भी आस्था पर ठेस लगती है, हमारे करोड़ों लोगों को तुम लोग पशु बनाकर रखे हो, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। रविदास जयंती के कार्यक्रम आपको कहाँ लगेगा सर? हमारा बहुत सारा कार्यक्रम बाबू अभी ध्यान नहीं है, लेकिन 24 तारीख को जी हमारा कार्यक्रम
गया से 150 किलोमीटर दूर नेवादा में है जी। अब रैदास जयंती को 22, 23, 24, 25 तक हम उधर ही हैं, 25 को तो झारखंड में है जी, और 26 को आरा में है जी। इस तरीके से जगह जगह लगे हैं। हम सारे लोगों को बताए हैं कि महापुरुषों की जयंती मनाना है तो किसी दिन मनाइए, पूर्ण तिथि जिस दिन इच्छा करे वो भी मना सकते हैं जी। खाली ढोंग पाखंड में त्योहार जो है जी, कभी दिवाली 5 तारीख को, कभी 25 तारीख को है जी, दशहरा कभी 15 को है, कभी 10 को है, वो सब उनकी विषय है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन महापुरुषों की जितनी भी जयंतियां हैं उसको 12 महीना में जब चाहे मना सकते हैं। चलिए सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।